जय हिंद दोस्तों। आज 7 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर की भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय मोहन कावत्रा, भारत के नए विदेश सचिव। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत थल सेना के नए प्रमुख कौन बनेंगे? तो ये बनोगे मनोज पांडे, और पहले कौन थे? MM नरावने, यानी मनोज मुकुंद नरावने, और ये उप प्रमुख थे मनोज पांडे। तो इसका मुख्यालय कहाँ है भारतीय थल सेना का? तो भारतीय थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो किया गया है आरिफा जोहरी को, जो कि मुंबई की पत्रकार है। आरिफा जोहरी, इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं? तो एलन मस्क शामिल हुए हैं, और 9% इनकी हिस्सेदारी है इसमें ट्विटर में। और अगला, इस ट्विटर की स्थापना हुई थी 2006 में। और अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की है? तो ये हमारे भूपेंद्र यादव जी ने की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव सिंह, जो DLF के उद्यमी हैं रियल एस्टेट के। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में किसने डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक लिखी है? तो अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखी है डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक, अश्विनी श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में किसने बिरसा मुंडा जनजाति नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन देश के हैं, कार्लोस अल्काराज। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो गणगौर महोत्सव राजस्थान राज्य में मनाया गया है, और राजस्थान की राज्य की राजधानी क्या है? जयपुर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।